यहाँ देख सकते हैं आप, गांव खेड़ा खेमेवती में कुछ युवक थे 10-12 की टोलियों में, और पुलिस की गाड़ी देखकर भाग गए यहाँ से। वो लॉकडाउन के तहत बिल्कुल मना किया गया है घरों से बाहर निकलने के लिए, ताकि कोई भी घर से बाहर ना निकले। यहाँ देख सकते हैं SHO सदर हैं जो सामने महिलाओं से कह रहे हैं कि अपने घर के अंदर रहें, बाहर मत बैठें, इनको साफ निर्देश दे रहे हैं ताकि कोई भी घरों से बाहर निकलें। जबकि आज एक ऐलान किया गया है भारत सरकार द्वारा कि अगर कोई बिना वजह अपने घर से बाहर पाया जाता है तो 6 महीने की उसे सजा या 1 साल की सजा हो सकती है। सर, गांव खेड़ा खेमे में तो पहुँचे हो, आपको देख के काफ़ी युवक भाग गए यहाँ से। ये तमाशबीन लड़के हैं जी, बाकी पब्लिक हमें पूरा सहयोग कर रही है, जो कुछ नहीं मान रहे हम उनको मना रहे, प्यार से मान जाते हैं। तो सर, जो कोई आवारा जैसे कोई पाया जाता है बाहर घूमते हैं लॉकडाउन के दौरान, अब भारत सरकार ने ऐलान किया है कि 6 महीने या 1 साल की अब सजा भी हो सकती है, तो पुलिस किस तरह की कार्रवाई करेगी? क्योंकि लोगों में डर इस बात का अभी तक देखने को नहीं मिला सर। हमें पहले तो हम प्यार से समझाएंगे, फिर सख्ती करेंगे, और जो 3-4 से फालतू मिलेंगे हमें, हम कानून कार्रवाई करेंगे। तो अभी क्या पूरे सफेदों ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर निकले हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी कवर करेंगे। हाँ सभी कवर। थैंक यू सर। खेमावती में कोरोना वायरस के चलते जो वायरस फैला हुआ है, दूर सामने गलियों में सैनिटाइजर किया जा रहा है गांव के अंदर, ताकि कोरोना वायरस से बचाव हो सके। हमारे साथ मौजूद है सरपंच साहब गाँव के। जो सरपंच साहब, किस तरह का कार्यक्रम कर रखा है? ये DC के आदेश है, हमें दुआ मिली है, और उसको स्प्रे के लिए गांव में घर घर गली गली में स्प्रे किया जा रहा है। इसको बीमारी जो चली हुई है, संक्रमित बीमारी है, कोरोना वायरस इसको नाम दिया गया है, तो उसको रोकथाम के लिए ये जो भी कदम उठाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, हम उनके पालना अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो क्या पूरे गाँव जो सैनिटाइज किया जा रहा है सामने, तो क्या ये पूरे गांव में होगा अभी? हाँ जी बिल्कुल, पूरे गांव में किया जाएगा, ये हर गली गली में किया जाएगा। रूटीन में करोगे? हाँ जी, कल भी किया रोज था, हाँ कल भी किया था, आज भी करने लग रहे हैं। यहाँ सामने देख सकते हैं सैनिटाइजर का गांव में छिड़काव किया जा रहा है। सरपंच सुशील कुमार जी ने जानकारी दिया कि डेली गाँव में सैनिटाइजर किया जाएगा, ताकि कोरोना से बचा जा सके, इसके वायरस से बचा जा सके गाँव खेड़ा खेमावती से। तो अभी जो आपने शुरू किया है, ये शाम को कितने बार करते हो? शाम में, दोपहर में, सुबह? ये इसको एक दिन में कितनी बार करते हो? इसमें दोपहर को करते हैं, सभी गलियों में करते हैं, और पहले हिदायत दी जाती है कि अपने गांव में रहे, बाहर ना निकले, बच्चे जो भी पशु है उनको भी अंदर किया गया है, और बाहर बिल्कुल मतलब हर एक आदमी को हिदायत दी गई है भाई, संपर्क से बचे और अपने घर में रहें। थैंक यू। देख सकते हैं दो युवक हैं जो बाहर से हैं, और सदर SHO जो हैं वो चेक किया जा रहा है उनको। सर, ये दो युवक मिले रोड पर, किस तरह है, क्या मामला है? ये अपने आप को बता रहे हैं, रोड तक से हैं जी सर, और इनका पंजाब राजपुरा के रहने वाले हैं, अपने घर जा रहे हैं, साधन नहीं है। क्या संदिग्ध है ये? संदिग्ध तो नहीं लगता, इनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर दिया, गाड़ी पर रखते हैं। कहाँ से आए आप? सर रोहतक से। रोहतक कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब के रहने वाले। तो यहाँ क्या कर रहे हो? सर पैदल पैदल जा रहे हैं, घर के पैसा कोई है नहीं हमारे पास, और पैदल पैदल घर तो जाकर करेंगे ना, कोई ना बैठेंगे जी। क्या काम करते हो? मशीन चलाते हैं। हाँ भैया, कैसे? यहाँ देखा आप, एक युवक है जिसे मुर्गा बनाया गया है, जो आवारा घूम रहा था। यहाँ सामने देखे मुर्गा बनाया इस युवक का पुलिस ने, कि बाहर ना घूमे ये, और पुलिस विस्तार से यहाँ जानकारी लिए इन युवकों से जो पंजाब के अपने आपको बता रहे हैं, पंजाब के रहने वाले हैं ये और मशीन चलाते हैं। इनसे पूरी सावधानी बरती जा रही है। SHO सदर मौजूद हैं, इनको मास्क लगवाया जा रहा है। सर हमें सर छुड़वा दो, पैसे पूसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी गाड़ी तो वहाँ तक जा नहीं सकती। सर कोई पास तक छुड़वा दो, किसी ट्रक वगैरह में, किसी से लिफ्ट पीछे बैठे बैठे। या देखा आपने जो पंजाब के युवक, उनको पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठाया है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि हमें छुड़वा दिया जाए, हम पैदल चल रहे हैं, इनके पास पैसे वगैरह सब खत्म हो चुके हैं, भूखे प्यासे हैं ये, और इनकी पूरी तलाशी वगैरह लेने के बाद पूरी तहकीकात की है पुलिस ने इनकी। जो युवक यहाँ दोनों, क्या नाम है तुम्हारा भैया? इंद्रजीत हैं। इंद्रजीत कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब। पंजाब कौन सी जगह के? राजपुरा। राजपुरा। हाँ भैया, आप कहाँ के हो? राजपुरे के हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कुलदीप। कुलदीप,
यहाँ देखा पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा रही है, इनकी छोड़ने की व्यवस्था करने के लिए बने रही है ग्राउंड में। एक साथ आप सभी हालात हम दिखाते रहेंगे ग्राउंड मीडिया से। मैं हरीश कपूर। अब जो दो युवक सफीदों असन मार्ग पर सफीदों को मिले थे, जो पंजाब का अपने आप को बता रहे थे, इनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे, ठेकेदार ने इनको पैसे नहीं दिए। अब पुलिस ने एक ट्रक को रुकवाया यहाँ कि ये पंजाब के रहने में, ताकि इनको इनके घर तक पहुँचाया जा सके। यहाँ पुलिस प्रयास कर रही है कि इन युवकों को इनके घर तक पहुँचाया जा सके। पुलिस इनको ट्रक पे बिठा रही है। असन तक बिठा दिया इनको, असन तक बिठा दिया। यहाँ देखा आपने, पुलिस ने दो युवक थे पंजाब के जो मजबूर थे, लाचार थे, उनके पैसे नहीं थे, उनको बिठा दिया गया पुलिस के द्वारा, ट्रक में बिठाया इनको, असन तक जाने का इनका प्रबंध कर दिया है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।